हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। पहले से काफ़ी बेहतर हैं। 80% तो ठीक हो गए हैं, अभी 20% ही रह ही गए हैं थोड़े, क्योंकि खांसी जुकाम वगैरह जो वायरल होता है थोड़ा टाइम तो लेता ही है। और अब मैं लगी हूँ सुबह के काम में, और अपना जो खाना पीना नाश्ता पानी है वो तो सब हो चुका है, ड्यूटी वाले ड्यूटी पे चले गए हैं। अब मैं ये बाद में जो काम होता है वो कर रही हूँ। शुरुआत मैं किचन से करती हूँ क्योंकि ताज़ा पानी आया रहता है तो इतना मतलब कि अच्छे से काम हो जाता है। ठंडे पानी में फिर करना थोड़ा मुश्किल रहता है ना, तो इस वजह से तो लगी हुआ मैं सुबह के काम में, क्योंकि कहीं चले जाते हैं ना फिर काफ़ी ज़्यादा सा काम पड़ जाता है, लोड सा ज़्यादा हो जाता है कोई, और आके देखते हैं तो घर में काफ़ी काम फैला पड़ा रहता है तो उसको संगवाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं, किचन में साफ़ सफाई वगैरह जो कुछ है लगी हुई हूँ। ये काका मेरे पीछे पीछे लग रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कह रहा है कोई डिब्बी दे दो, कोई कभी कह रहा है कुछ दे दो, जो चीज़ देख लेता है बस वही मांगने में शुरू हो जाता है। बच्चों में तो यही काम है, लग रहा है मेरे पीछे पीछे अपनी बहन के साथ नहीं खेलता। और यहाँ पे मैं ना जो बड़ा डिब्बा था उसका आटा ख़त्म हो गया था, तो छोटे में जो रखा था ना वो मैंने इसमें बड़े में डाल दिया है, वो सब डालने में लगी हुई हूँ। क्योंकि फिर वो है ना कि खाली हो गया, फिर मेरा पास जो काफ़ी सामान सा और रखा था उसमें से निकला हुआ छोटे वाले डिब्बे में से, तो फिर वो ऐसे ही मैंने कट्टे में डाल के रखा हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि चलो अब जब उस वो तो खाली हो ही गया है तब मैंने निकाल के उसी में डाल दिया है। और लगी हूँ बस यही सब काम में करने में। अभी मैंने कट्टा निकाला है, इसमें ना एक्चुअली जो आंगनबाड़ी का सामान आता है ना काफ़ी टाइम से इकट्ठा होता है, इतना दलिया वगैरह तो खाया नहीं जाता। अब ये दाल है, इसका मैं सोच रही थी वो पिसवाने के लिए कि जैसे कुछ बेसन वगैरह पिसवा लूँगी, तो फिर बस वो मैंने रख दिए अब छोटे डिब्बे में। तो अब और जैसे कि सिंक वगैरह की साफ़ सफाई में इनमें काम में टाइम लगता ही है साफ़ सफाई में। देखो अब जा रही हूँ मैं छत पे, मैंने कपड़े सुबह से मशीन लगाई हुई थी और साथ में और काम भी कर रही थी, तो अब ये कपड़े ना धो गए हैं तो मैं इसको लेके आई हूँ। अब दोपहर का टाइम होने लग रहा है, कुछ खाना वगैरह की भी प्रेपरेशन साथ में करती रही तो अब ये कपड़े लेके आई हूँ। कुछ कपड़े तो मैंने नीचे ही टांग दिए थे, कुछ ये ऊपर लेके आई हूँ तो अब इन्हें टांगने में लगी हुई हूँ। और फिर वैसे भी ना पहले तो यहाँ पर मैंने काफ़ी लंबी एक रस्सी बांधी हुई थी, फिर कभी आया ही नहीं जाता था कभी आया जाता था ऊपर, तो फिर मैंने उसको नीचे ही बांध दिया। अब धूप निकलने लगी है तो अब रस्सी नीचे है, ऊपर टांगने की जगह नहीं है, सिर्फ एक ही तार ऊपर है तो बस उसी पे काम चलाना है। कुछ दीवारों वगैरह पे ही टांग लेती हूँ कपड़े, और ये आरब फिर रहा है इधर उधर, कभी कहीं को खड़ा हो रहा है, कभी कहीं जहाँ कपड़े होते हैं बस वहीं पर लग जाता है। तो साथ में देखिए ये हमारी छत है, छत तो काफ़ी खुली डुल्ली है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, रस्सी वगैरह जितनी मर्जी बांध दो तो कोई आराम से कपड़े सूख सकते हैं। और ये आरव फिर रहा है यहाँ पे, खेल रहा है, कूद रहा है, डांस करके दिखा रहा है। मैंने कहा बढ़िया सा डांस कर, तो कूदने लग गया, अब ये कूद के दिखा रहा है क्योंकि इसको सिर्फ हाथ ऊपर करने कूदना ही आता है। अब नीचे आने के बाद मैं लगी हूँ खाने बनाने में, क्योंकि जो काला है ना वो जब मैं ऊपर छत पे गई तो वो जाने लग रहा था, मेरे को टाइम का ध्यान ही नहीं रहा उसको जाना है, तो फिर मैंने जल्द जल्दी करके जैसे कैसे उसको बस जो सुबह की दाल रखी थी उसके साथ फिर रोटी दी, भाई भूखा ना जाए, कम से कम खा के तो जाए ही। तो फिर सब्जी की कुछ आलू वगैरह मैंने उबाल ही रखे थे तो फिर वो सब मैं करने में अब लगी हुई हूँ। ये मसाले की तैयारी सी कर रही हूँ क्योंकि बनाऊँगी मैं आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी। आलू मैंने उबाल लिए हैं और मटर वगैरह मैंने आर्या को बोला था छील दे बेटे, तो उसने छीले नहीं, तो अब मैं ये भी करने लग रही हूँ। और सुबह से लगी पड़ी हूँ, काम इतना ज़्यादा नहीं होता पर कई बार ऐसा होता है कि लोड सा ज़्यादा हो जाता है और काम होने में थोड़ा टाइम सा पता ही नहीं चलता कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर अब मैं सब्जी बना के ये सब्जी को मटर वगैरह मैंने निकाल भी दिए हैं, धो भी दिए हैं, तो अब मैं ये सब्जी छौंकने लग रही हूँ। मुझे ये था कि चावल वगैरह तो मैंने बना दिए थे, रोटी भी बना रखी है, बस सब्जी बनानी है क्योंकि दाल के साथ काले को दे दी थी,
अब मैं सब्जी तो बनानी ही है, फिर भी जब तैयारी हो रही है तो अब मैं सब्जी बनाने लग रही हूँ, छोंक रही हूँ। यही बेली के जैसे बनती है आलू मटर की सब्जी वही है, प्याज वगैरह डाल दिए हैं, अब टमाटर वगैरह डाल देंगे और क्या। जैसे नॉर्मली बनती है सब्जी तो वैसे ही बनती है, ठीक है। कोई मैं ऐसे ज़्यादा डीपली शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ, तो देख लो जैसे भी है। और फिर मुझे ना एक्चुअली सिलाई पे बैठना है, क्योंकि एक सूट मुझे आज करके ही देना है। अब ये सब्जी बना के फिर मैं जाऊँगी सूट सीने के लिए, वो भी आपको सोच रही हूँ दिखाऊँ। तो देखते हैं अभी दिखाऊँगी या कैसे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी आज। अब ये मैंने मसाला वगैरह तैयार करके सारा इसमें डाल दिए और बन बस अब ये छूट जाएगी, हो ही गया चौंक का काम तैयार। सब्जी तो बस ज़्यादा हो ही गई है ये, अब पानी वगैरह डाल के बस इसको तो यह के रखना है। सब्जी तो बनती रहेगी अपने आप से, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है ना इसका रंग, काफ़ी अच्छी सब्जी लग रही है देखने में। बस खाने में आजकल इस बार मुझे मटर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी जैसे कई बार ना मटर एकदम नरम नरम सी आती है ना, कितनी अच्छी मीठी मीठी सब्जी बनती है जो स्टार्टिंग में आती है, और अब मटर ना जो पक सी गई है थोड़ी, तो अब उनकी ना सब्जी थोड़ी वो लगती है, अच्छी सी नहीं लगती, खड़ी खड़ी सी रहती हैं। पर फिर भी चलो और सब्जियां तो है ही नहीं है, यही सब्जियां हैं अब तो। तो अब मैं सब्जी रखानी तो पड़ेगी किचन में, यानी कि गैस पे बना के छोंक के तैयार करके रख दिया, अब वो पकती रहेगी, कम आँच पे कर दिया मैंने। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सूट की कटिंग करनी है, ये लाइनिंग वाला सूट है, तो अब पहले तो इसकी लाइनिंग वगैरह प्रेस करूँगी, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। तो अब मैंने शुरू कर दिया है सूट की कटिंग, लाइनिंग पे प्रेस वगैरह मैंने कर दी है और लाइनिंग की भी कटिंग कर दी है। अब ये जो है ना इसके ऊपर रख के मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, वैसे कभी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी मैं कटिंग कैसे करती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मतलब सूट तो सभी सूट ही बनाते हैं, लेकिन कटिंग जो है ना कई बार ऐसा होता है हम किसी को देखते हैं तो ऐसे लगता है बहुत ईजी है, तो और कई बार हम सूट ऐसे देखते हैं कि काफ़ी डिटेल में जाते हैं, डिफ़िकल्ट से लगते हैं। तो अब मैंने ये रात का टाइम हो गया है, ये सूट मैंने कंप्लीट कर दिया है, गया ये सूट कंप्लीट। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने आज के आज ये कर दिया है। और इसके बाद जो मैंने लगाई है लेस सूट में, इसमें वर्क था पहले के गले पे और बाजुओं पे मैंने लेस लगा दी, तो सूट अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने जिसका है उसको पहना के भी दिखा दिया है, उनको भी फिटिंग अच्छी आई है। और इसके साथ बनाया मैंने ट्राउज़र पैंट पजामा यानी कुछ भी कह लो वो है, और जो लेस मैंने बाजू में दी है वही मैंने इसकी मोरियों पे दी है दो लाइनों में, तो देखने में अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू। अच्छा तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।